स्वामी जी अक्सर देखा ये जाता है कि डांडिया गरबा के दौरान लोग मसल्स में पेन और क्रैम्प के साथ साथ अचानक पाचन से जुड़ी हुई परेशानी महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिरदर्द होने लगा, हार्ट अटैक की घटनाएं भी तो बढ़ रही हैं स्वामी जी, तो ये जश्न मायूसी में ना तब्दील हो जाए इसके लिए क्या तैयारी करने की जरूरत है? तो इसके लिए एक तो बड़ी तैयारी तो हमने पहले बता दी, और फिर इतना भी ना कर पाए तो देखो ये तो जरूर कर ले, मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, और जो एडवांस योग करना चाहे तो धारा पर एडवांस योग करो। गर्भा डांडिया तो हो गया तेरा, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करें, फिर जो पूरा कर सकें तो पूर्ण भुजंगासन, राजकपोतासन, और कठिन कठिन योगाभ्यास भी करना है। तो जिनको कठिन योग करना है, चलो बेटा धारा आप तो पूर्ण भुजंगासन करो, राजकपोतासन करो। तो देखो जो इतना कर सके तो वो तो हमारी बिटिया की तरह, आज इसको बड़ा आनंद है कि हमारे यहाँ गुजराती, मराठी, बंगाली सब बच्चे रहते हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष, आर्यावर्त देश एक छत के नीचे रहता है। और तो जो ये कर सके बात अच्छी बात है, जो इतना भी ना कर सके तो होले होले तो हो ही जाएगा। मैं तो 100 बार तक का टारगेट बनाया है, अब शारदीय नवरात्र से लेकर के और चैत्र नवरात्र तक सबको 100 बार तक पहुंचा ही देंगे, लगाए रखेंगे, रोज 5-5, 10-10 बार बढ़ाएंगे। वैसे तो एक ही महीने में, और जो थोड़े ऊर्जावान हैं 10 ही दिन में 100 बार तक पहुंच जाते हैं। जो ऐसे कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे एक दिन हम साधते हुए उनको सिद्ध कर ही देंगे। पहले साधक बनेंगे, फिर सिद्ध बनेंगे, और फिर सिद्धिदात्री का आशीर्वाद पाएंगे। जिनको ये दर्द आदि रहता है ना, उनके लिए हम अभ्यंग करवाते हैं, पीड़ा नील तेल बना रखा हमने, महानारायण तेल, और ऐसे ये अभ्यास मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, इतना भी ना हो तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करा देते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, कुछ उपवास के चक्कर में दवा भी नहीं ले रहे थे। तो देखो भाई आपको अब आज एक तो गोंद बता रहे हैं हड्डियों के लिए, हड्डियों के लिए गोंद, और हड्डियों के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अब नवरात्र पूरा हो रहा है आज से खा सकेंगे, वातारी चूर्ण खा सकेंगे, और इसमें तो कोई अन्य है ही नहीं। ये जो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रीट है ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अश्वशिला, और लोग केमिकल एनिमल बेस्ड न्यूट्रासिटिकल खाते हैं, फिर जब कैंप्स आते हैं तो बोले विटामिन डी की, B12 की डेफिशिएंसी होगी, तो हमने ये केमिकल एनिमल सिंथेटिक न्यूट्रासिटिकल्स की जगह विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब प्रोटीन पाउडर, ग्रीन प्रोटीन, हाँ ये सबको उपलब्ध करा दिए, और ये अच्छी अच्छी चीज़ें आज हमने यहाँ पर भी रखा है, ये सब न्यूट्रासिटिकल्स भी यहाँ पर भी रखे हमने, और ये आज सारे हमने आटे भी रखे हैं, मिक्स दालें। अच्छा देखो 3 सूत्र दे रहा हूँ छोटे छोटे, एक तरह की दाल नहीं, सप्ताह में कम से कम 7 तरह की दाल खानी चाहिए, कम से कम 7 तरह के आटे खाने चाहिए, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, रागी का आटा, जौ का आटा, बाजरा, सब हमने सारे देश को, फिर मल्टीग्रेन आटा, एक साथ हमने एंटी डायबिटिक आटा, ये मिला जुला आटा, ग्रे मल्टीग्रेन्स, दालें मल्टीग्रेन, और तेल भी एक जैसा नहीं, इसलिए सप्ताह में 7 तरह के तेल का प्रयोग करें, तिल का तेल, सरसों का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिर सोयाबीन, सनफ्लावर, ऐसे राइस ब्रान ऑयल, एक तरह का सनफ्लावर ऑयल, अलग अलग तरह का, 7 दिनों में 7 तरह का तेल, घी, घी तो बेस्ट है, इसलिए घी, घी के साथ साथ फिर जो है जिनको भाई
कोलेजन की डेफिशिएंसी होती है तो कोलेजन प्लस का भी नया अवतार आ गया है। और ये जो सुबह उठ कर के आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटा ग्रास, ये सब भूमि आंवला, पुनर्नवा, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां अलग अलग रोगों के हिसाब से हमने बताई हुई ना, सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे और जिसको जो जड़ी बूटियां उपलब्ध है ना सुबह सुबह खा लेंगे तो ये माइक्रोन्यूट्रिशन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी होती है डेफिशिएंसी, उससे मुक्त हो जाएंगे। ये एक बड़ा काम है। तो जी ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम इतना तो सभी कर सकते हैं, और प्राणायाम, और जिनको दर्दें हैं ना, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर बिल्कुल नहीं खाने, जिनको कफ है उनको चिकनाई और ठंडी चीज़ें, और जिनको पित्त है, बवासीर है, स्किन डिजीज है, उनको नमक कम, मीठा कम और तीखा और मसाले, खास करके मिर्ची, ये तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भीतर आग लग जाती है उससे।